हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम लोग क्यूब की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट क्यूब, उसकी 7 डेज में कितनी स्ट्रेंथ होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अपने चैनल पे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आप सामने जो देख रहे हो, अभी जो आप सामने देख रहे हो, ये डायल गेज है जो मेरे साइड पर फिलहाल है। ये डायल गेज है जिसमें जो यूनिट दी हुई है किलोमीटर में दी हुई है। अगर इस पर रीडिंग आएगी वो किलोमीटर में आएगी। आप चाहो तो इसे फिर आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ होगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगी। ओके, सो हमने मान लिया कि एक ग्रेड लिया, कॉन्क्रीट का ग्रेड लिया M25 कॉन्क्रीट ग्रेड के क्यूब को हमें 7 डे पे चेक करनी है। ओके, 7 डेज पे उसको चेक करनी है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर 7 डेज जो कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ होती है 7 डेज में, वो 65% स्ट्रेंथ वो अचीव करती है 7 डेज में। ओके, सो 7 डेज में 65% स्ट्रेंथ को अचीव किया। अगर हमने डायल गेज पे कंक्रीट क्यूब को लगाया, चेक करने के लिए, तो हमने जैसे ही इस पर लोड अप्लाई किया तो 450 किलोन्यूटन पे वो आकर के हमारी क्या है, क्यूब ब्रेक हो जाती है। ओके, 450 किलोमीटर उसको मैंने न्यूटन में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो ये न्यूटन में हमारी इतनी वैल्यू आ गई। ये अब क्या, क्यूब की जो स्ट्रेंथ निकालने से पहले हमें क्या है, उसकी एरिया की ज़रूरत है क्यूब की। एज की एरिया क्यूब, जो क्यूब हमारा होता है वो 150 बाई 150 बाई 150, लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है 150 mm, या फिर 150 mm उसकी होती है, 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट विड्थ थिकनेस होती है। ओके, सो हमने जब उसका एरिया निकाला तो लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई किया, सो 150 × 150 वैल्यू कितनी आई, 250 mm square ये उसकी एरिया होगी। ओके, 7 डेज में स्ट्रेंथ कितनी अचीव की, 65%। अब हमें क्या करना है, अब हमें 7 डेज में जो 65% ऑफ M25 ग्रेड का निकालना है, तो 65 / 100 × 25, क्योंकि 7 डेज में हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ अचीव होती है वो 65% होती है, तो हमने 65% लिया। तो जो भी ग्रेड होगी उसका 65% हमें कर देना है, तो 65% ऑफ M25, तो 65 / 100 × M25 हमारी वैल्यू कितनी आई, 16.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो हमारी वैल्यू आई थ्योरेटिकल, अब हमारी जो लोड पे आई, लोड पे जो वैल्यू आ गई उसको हमें चेक करना है कि ये इस वैल्यू से अगर ज़्यादा आती है बराबर, तो क्यूब हमारा सेफ है, स्ट्रेंथ अचीव कर लिया। अगर कम आती है तो क्यूब फेल है। ओके, तो सामने आप देख रहे हो प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स अपन एरिया। फोर्स हमारी देख रहे हो आप 450 किलोन्यूटन था, उसको हमने न्यूटन में चेंज किया, और न्यूटन में चेंज किया डिवाइडेड बाय एरिया किया, तो 45000 डिवाइडेड बाय 2 उसके एरिया से मल्टीप्लाई का याद रखेंगे, या यूनिट को हम ध्यान रखेंगे न्यूटन, क्योंकि हमने न्यूटन में चेंज किया, और ये हमारी एरिया कितने में एम स्क्वायर में, दोनों को चेंज किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी क्यूब हमारी सेफ है। ओके, हमारी जो स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 20 न्यूटन है, हमें चाहिए तो 16.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यानी कि क्यूब हमारी सेफ। ओके फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में हमने थियोरेटिकली क्यूब के, कंक्रीट क्यूब के स्ट्रेंथ को 7 डेज में चेक किया। प्रीवियसली नेक्स्ट वीडियो में मैं 28 डेज पे भी कंक्रीट क्यूब के स्ट्रेंथ को थियोरेटिकली हम लोग डिस्कस करें। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।